श्रद्धा हो, विश्वास जगत जग पतल पर पीयू स्रोत से बहा करो जीवन के सुंदर समतल पर। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। 8 मार्च को पूरी दुनिया में महिला दिवस मनाया जा रहा है। आधी आबादी कहिए या पूरी आबादी की जननी, आज महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए ये दिवस पूरी दुनिया भर में मनाया जा रहा है। लेकिन क्या केवल एक दिवस या चंद मुद्दों की मोहताज है ये नारी? कभी समृद्धि है, जाने कब नारी अबला हुई, कब कमजोर हुई, कब अधिकार विहीन हुई। अहिल्या बाई, रजिया सुल्तान, लक्ष्मीबाई शक्ति की सशक्त उदाहरण भर है। लेकिन क्या उन्हीं महिलाओं को वाकई सशक्तिकरण की आवश्यकता है? क्या आज नारी केवल एक दिन की मोहताज है? अंतरिक्ष के अनंत से एवरेस्ट की ऊंचाई तक या वर्दी के अनुशासन से देश के शासन तक एक नारी शक्ति का ही पर्याय है। आज ही उसे ही सशक्ति की दरकार है। आज महिला दिवस के अवसर पर आपको ऐसी महिलाओं से रूबरू करवाएंगे जिन्हें समाज की संकुचित और रूढ़िवादी सोच को तार तार कर दिया। शमशान यह शब्द सहरन पैदा करता है, वैराग्य को जन्म देता है, भयभीत कर देता है। लेकिन जीवन का यथार्थ है जिसका सामना हर उस व्यक्ति को करना है जिसने जन्म लिया है। भारतीय संस्कृति में इस स्थान में स्त्रियों को उनके कोमल मन के कारण दूर रखा जाता है। लेकिन कालांतर में महिलाओं ने चली आ रही रूढ़ियों को तोड़ा है और न सिर्फ शमशान घाट तक गई हैं अपितु अपने परिजनों को अग्नि भी दी है। इस स्थान को लेकर जिन महिलाओं ने परंपराओं को चुनौती दी है, भोपाल की हमीदिया अस्पताल की कर्मचारी हीराबाई का नाम इस कड़ी में सबसे अधिक सम्मान के साथ लिया जाता है। उन्होंने मानवता की इस इबारत रची है जिसे जानकर आपका सिर भी श्रद्धा से नतमस्तक हो जाएगा। कोरोना काल में हीराबाई न केवल अस्पताल में अपनी ड्यूटी की, बल्कि उससे आगे बढ़कर जब कोरोना के डर से सगे संबंधियों की मौत की आग के बाद अपनों का साथ छोड़ रहे थे, तो उन्हें आगे बढ़कर ऐसे लोगों का अंतिम संस्कार भी किया। 51 साल की हीराबाई, जिनके जानने वाले उन्हें हीरा बुआ के नाम से बुलाते हैं, दरअसल पिछले 25 सालों से बुआ बनकर बेसहारा लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करने का काम कर रही हैं। अब तक ऐसे 3,000 लोगों का अंतिम संस्कार कर चुकी हैं। वहीं दूसरी ओर आपको बताते हैं संघर्ष और निष्ठा से देश के चौथे सर्वोत्तम सम्मान पाने वाली भूरीबाई के बारे में। देश के चौथे सर्वोच्चम या नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा जाने वाली मध्य प्रदेश की भील महिला चित्रकार भूरीबाई के जीवन की कहानी उनकी पेंटिंग के रंगों की तरह जिंदगी के अनेक रंगों से भरी है। 45 साल पहले झाबुआ के अपने गाँव पिठौल से निकल कर भोपाल आई थी। भोपाल आने पर उन्हें सबसे पहले ईटा गारा ढोने का काम मिला। उस वक्त बन रहे भारत भवन में, यहीं पर उनकी मुलाकात प्रसिद्ध कलाकार स्वामीनाथन से हुई। भारत भवन के निर्देशक रहे स्वामीनाथन ने उनसे उनके समुदाय और रीति रिवाजों और पाठ पूजा के साथ भीलों के रहन सहन के बारे में बात की। यूं तो हम महिला दिवस मनाते हैं, लेकिन महिलाओं के लगातार संघर्षों की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। लगातार महिलाएं संघर्ष करती हैं अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने कर्तव्य के लिए और यहाँ तक कि अपने अधिकारों के लिए भी। क्या हम महिलाओं को सिर्फ एक दिवस में संकुचित करके रख देंगे या कभी उनके संघर्ष में उनका साथ देकर सही मायनों में महिला दिवस मनाएंगे? आज के इस खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 19 के साथ।